स्टार प्लस का पॉपुलर शो ये जादू है जिनका अपने यूनिक कॉन्सेप्ट की वजह से काफी पॉपुलर हुआ था। शो की कहानी को भी लोग काफी पसंद कर रहे हैं, लेकिन अब खबरें सामने आ रही हैं कि शो को जल्द ही ऑफ एयर कर दिया जाएगा। जी हां, देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद बहुत से शोज पर ताला लगता दिख रहा है, जिनमें अब इस शो का नाम भी शामिल हो गया है। जी हां, डेली चक्कर की रिपोर्ट के मुताबिक शो को अच्छा रिस्पॉन्स तो मिल रहा है, लेकिन मेकर्स के सामने शो का बड़ा बजट प्रॉब्लम खड़ी कर रहा है। जी हां, देखा जाए तो शो के अच्छे ग्राफिक्स और VFX का अच्छे से इस्तेमाल किया गया था। शो के ग्रैंड सेट्स ने भी लोगों का ध्यान खूब खींचा, लेकिन लॉकडाउन के बाद कई प्रोडक्शन हाउसेस पर बुरा असर पड़ा है और वो तंगहाली से गुजर रहे हैं। ऐसे में अब शो के मेकर्स के लिए शो को आगे बढ़ाना मुश्किल सा लग रहा है, क्योंकि शो का हाई कॉस्ट उन्हें काफी महंगा पड़ रहा है। इसलिए आने वाले दिनों में शो को बंद करना पड़ सकता है, जिसके बाद फैंस का भी बुरा हाल है और वो मेकर्स और चैनल से लगातार मांग कर रहे हैं कि शो को बंद ना किया जाए। देखिए फैंस के कुछ इमोशनल कमेंट्स को। डोंट ऑफ एयर ये जादू है जिनका, प्लीज स्टार प्लस। ये जादू है जिनका, डोंट एंड, प्लीज 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 स्टार प्लस। वी वांट, ये जादू है जिनका, प्लीज डोंट एंड इट। अद्विक, रोशन, विदाउट देम इवन कांट इमेजिन इट, प्लीज डोंट एंड इट। प्लीज ये जादू है जिनको, ऑफ एयर मत करो प्लीज। खबरों के माने तो ये जादू है जिनका शो को एक नया शो रिप्लेस करेगा, जिसमें सीरियल रूपमर्द का नया स्वरूप फेम एक्टर नील भट्ट नजर आएंगे। ये शो एक फैमिली ड्रामा शो होगा, जिसे प्रोड्यूस करेंगे प्रोड्यूसर्स राजेश राम सिंह और प्रदीप कुमार। इस शो में नील के अपोजिट नजर आएंगी टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा। हालांकि शो का क्या नाम होने वाला है ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जादू है जिनका के फैंस लगातार शो को बंद ना करने की मांग पर अड़े हैं। आपको बता दें कि ये शो 14 अक्टूबर 2019 से टेलीकास्ट किया जा रहा है। शुरुआत से ही लोगों को शो की कहानी काफी पसंद आ रही है। इसके अलावा शो के लीड स्टार्स विक्रम सिंह चौहान और अदिति शर्मा की जोड़ी को भी खूब पसंद किया जा रहा है। हालांकि अब देखने वाली बात तो ये है कि क्या वाकई मेकर्स शो को बंद कर देंगे या फिर फैंस की डिमांड को देखते हुए शो को कंटिन्यू किया जाएगा। वैसे आपकी क्या राय है इस शो को लेकर, क्या शो को ऑफ एयर कर देना चाहिए या नहीं, बताइए अपनी ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में।